नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बेहद ही असरदार बेहद ही कारगर नुस्खा लेके आया हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पुराने से पुराने जिद्दी से जिद्दी और भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली दिनाए की समस्या को बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों दाद खाज खुजली एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलने में बहुत ही तेज़ी से काम करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन और चर्म रोग की समस्या को बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं नुस्खा बनाने की विधि। दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको लेना है कपूर। जी हाँ, आप यहाँ पर कपूर लें और ये कपूर खराब भी नहीं होगा और साथ ही साथ इसके जो औषधीय गुण है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप इस कपूर को पीस कर पाउडर बना लें या आप बाज़ार से कपूर का तेल खरीद कर लेकर आएँ। दोस्तों सबसे आसान रहेगा कि आप बाज़ार से इस कपूर का तेल खरीद कर लेकर आएँ, ये आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इस कपूर के तेल की मदद से आप फोड़े फुंसी, किल मुहासे, चर्म रोग और विभिन्न प्रकार के दर्द और दाद दिनाए को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहद ही असरदार और बेहद ही कारगर नुस्खा है। आप एक चम्मच की मात्रा में इस कपूर के तेल को ले लें। दोस्तों ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों आप इस तेल को अपने दाद खाज खुजली के ऊपर बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लें एक चम्मच की मात्रा में इस कपूर के तेल को। दोस्तों इसके बाद से आप क्या करें कि आप इसे कॉटन की मदद से अपने दाद खाज खुजली दिनाए की जगह पर लगा दें। आप एक कॉटन ले और इस कॉटन को इसके अंदर ऐसे डीप कर ले। दोस्तों डीप करने के बाद से आपको जहाँ पर भी दाद खाज खुजली दिनाए की समस्या है उस जगह पर आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार तक इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप मात्र 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो दाद खाज खुजली दिनाए की समस्या है वो बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म हो चुका है। हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।